नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मम्मियां बहुत परेशान रहती हैं, बच्चों पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर बच्चे या तो सारा दिन टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल पर लगे रहते हैं, माँ बहुत परेशान हो जाती है। आज इसी के लिए मैं एक नुस्खा, बहुत आसान सा उपाय लेकर आई हूँ, जो सीहोर वाले पंडित जी का बताया हुआ है। उसके लिए आपको करना ये है कि एक कटोरी लेनी है, इसके अंदर शहद डाल लेना है और एक लेना है नौ मुखी रुद्राक्ष। ये है रुद्राक्ष, नौ मुखी लेना है, इसको रात को कटोरी के अंदर डाल देना है और रात भर इसको पड़ा रहने दे। सुबह उठकर नहा धोकर आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर शंकर भगवान जी के मंदिर जाना है, पूजन की थाली लेकर। वहां जाकर आपको इस रुद्राक्ष को निकालकर भगवान के शिवलिंग के आसपास जो जगह बनी होती है जलधारी, वहां पर रख देना है और शहद को शिवलिंग के ऊपर डाल देना है। उसके बाद उस शहद को कटोरी के अंदर निकाल लेना है, जितना भी आप निकाल सकें, और भगवान को शुद्ध जल से स्नान करके उनका पूजन कर और दीपक वगैरह लगाकर जो भी सामग्री आप ले गए हो, पूजा करने के बाद आपको उस रुद्राक्ष को वापस घर ले आना है। घर आकर जो शहद आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था उसको लगातार 11 दिन तक अपने बच्चे को रोज सुबह चटाना है। आप देखेंगे आपका बच्चा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद पढ़ाई में मन उसका लगने लगेगा, वो अपने आप बैठकर पढ़ेगा। ये उपाय इतना सरल है कि हर माँ आसानी से कर सकती है। रुद्राक्ष शंकर भगवान जी का वो अश्रु है जो बहुत सारे कामों में आता है, बच्चे की बुद्धि उससे तेज होती है, पढ़ने में बच्चा ध्यान लगाता है, बीमारियां दूर होती हैं, आपके काम संपूर्ण होते हैं। आप भी इस उपाय को आजमाकर जरूर देखें। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।